दोस्तों जून महीने में उगाई ये सब्जियां होगी लाखों रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, जून महीने में उगाई ये सब्जियां होगी लाखों रुपए की कमाई। आज हम आपके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिससे कि आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे विस्तार से कि जून महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगाना चाहिए जो कि सही तरीके से फल फूल सके। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपके स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों बता दें कि सब्जियां तो बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन 142,000 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि हम उनके लिए अच्छी से अच्छी सब्जियों की खेती करना सिखाएं और खेती किसानी में नए नए तौर तरीके सिखाएं, नए नए बिजनेस आइडियाज उपलब्ध कराएं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो बिजनेस आइडिया के और खेती किसानी के वीडियोस पहुंच सके बिना किसी वादा के आपके पास। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की। तो चौलाई, चौलाई की खेती आप कर सकते हो यदि जून में आप इसके बुआई करोगे, अगस्त में ये फसल आपकी चालू हो जाएगी और बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। और यदि गमलों में लगाएं तो भी ये एक महीने में चालू हो जाती है और गमलों में लगाने के बाद भी आप अपनी सब्जी की व्यवस्था कर सकते हैं। खेतों में लगाओगे तो लाखों में व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद गिलकी, गिलकी का समय शुरू हो जाता है दिसंबर के बाद जो कि अब चलता है हर महीने लाल। और यदि आप अभी जून में इसकी बुआई कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं, गिलकी बीज को आप बो देते हैं तो आपकी ये आसानी से अगस्त में चालू हो जाएगी और अगस्त में चालू होने पर लाखों में इनकम करा सकती है और इसकी रोपाई आप गमलों में भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है बैगन। जी हाँ, बैगन की खेती भी आप कर सकते हैं, रोपाई भी शुरू हो चुकी है, बीज बुआई भी शुरू हो चुकी है, तो आप गमलों में और खेतों में दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ये लाखों का प्रॉफिट देती ही है। इसके बाद आती है तुरई। तुरई को आप गमलों में लगा सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं। आप देखिए ये जो लग रही है हमारी फसल, तो वो ये घर के पीछे एक बरामदे में लगी हुई है शायद, तो आप इस तरीके से खेती कर सकते हैं जो कि जिस किसान भाई ने की है काफी अच्छे तरीके से की है, तो आप गमले में भी लगाकर इसमें पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद आती है प्याज। जी हाँ, प्याज बरसात की यदि आप लेना चाहते हैं तो समय शुरू हो चुका है, जून में भी बो सकते हैं, जुलाई में बो सकते हैं और अगस्त में भी बो सकते हैं। बरसात के लिए आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आती है फूलगोभी। फूलगोभी अभी निंदाई भी चल रही है, बीज रोपाई भी चल रही है और पौध रोपाई भी चल रही है, तो बरसात की फसल के लिए आप अभी बीज बो सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिल सके और रेट भी अच्छी मिल सके। जो किसान भाई बरसात में अगेती किस्म की फूलगोभी प्राप्त करना चाहते हैं, पैदावार लेना चाहते हैं, तो वो मई महीने में बो सकते हैं, मध्य में और अगेती लेना चाहते हैं तो जून में बो सकते हैं और जुलाई में बोएंगे तो आपके लिए पिछौनी फूलगोभी की पैदावार प्राप्त होगी। आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, भिंडी बरसात की अगेनी काफी अच्छी महंगी बिकती है तो आप मई और जून में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद टमाटर, टमाटर की रोपाई चल रही है, बीज बुआई भी चल रही है, तो किसान भाइयों आप मई जून में आप इसकी बीज बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आती है परवल। जी हाँ, परवल की मई महीने में भी बुआई होती है और आप जून में भी बुआई कर सकते हैं जो कि बरसात में चल जाएगी और बरसात में इसकी फसल काफी महंगी भी बिकती है। इसके बाद अरबी, अरबी का समय भी शुरू हो चुका है अप्रैल महीने से जो कि चलेगा जून जुलाई अगस्त तक, तो किसान भाई इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसके बाद करेला, करेला भी एक ऐसी फसल हो चुकी है जो 12 महीने चलती है और 12 महीने बुआई होती है, मात्र अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई नहीं करते हैं क्योंकि उस समय सर्दी की ज्यादा बढ़वार रहती है और सर्दी के वजह से पाला पड़ने से इसमें नुकसान हो सकता है, तो ये 2 महीने छोड़कर आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, तो जून में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आती है पेटा। पेटा का समय शुरू हो चुका है, किसान भाई पेटा की खेती करने के लिए बीज बुआई कर सकते हैं। मूली, मूली एक ऐसी फसल है दोस्तों जो कि 12 महीने प्राप्त की जा सकती है और इसमें भी सलाद बनाए जाते हैं, भुर्रा बनाए जाते हैं, तो कई तरीके से इसके इस्तेमाल में इसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो आप मई में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं और जुलाई में भी कर सकते हैं। इसके बाद धनिया, धनिया 12 महीने बिकने वाली सदाबहार फसल है, धनिया की खेती कैसे करते हैं ये भी हमने बताया है और किसान भाई आप जून महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं।
इसके बाद आती है बीन। जी हाँ, इसे बीन्स भी कहा जाता है, सिमर भी कहा जाता है और इसे रोसा भी बोला जाता है। तीन चार नाम है इसके जो किसान भाई जैसे भी बोलते हैं इस तरीके से कहा जाता है। ये कम से कम 4 महीने चलने वाली फसल है और 2-2.5 महीने में आती है। तो आप अभी इसको बो सकते हैं, जून महीने में बुआई कर सकते हैं, मई महीने में भी कर सकते हैं। तो ये बरसात में आपकी आसानी से चल जाएगी और बरसात में भी इसकी फसल काफी महंगी बिकती है। इसके बाद आता है अदरक। जिन किसान भाइयों ने अदरक को बीज के तौर पर संभाल के रखा था तो वो अब इसकी बुआई कर सकते हैं और बढ़िया छोलियों से या फिर घास फूस से इसको ढक सकते हैं, जिससे कि बरसात में इसकी फुटान अच्छे से हो सके। इसके बाद आती है शिमला मिर्च। जी हाँ, शिमला मिर्च की बुआई चल रही है, बीज रोपाई चल रही है और पौध रोपाई भी चल रही है। तो किसान भाई जून महीने में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसके बाद मिर्ची। जी हाँ, मिर्ची की खेती तो अब 12 महीने होने लगी है, लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई नहीं करते हैं क्योंकि पाला पड़ता है और सर्दी भी ज्यादा रहती है, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो किसान भाई जून महीने में इसकी रोपाई बीज की कर सकते हैं। इसके बाद आती है लौकी। तो लौकी की भी खेती कर सकते हैं किसान भाई, जो बरसात में चलेगी तो अच्छी पैदावार देगी, रेट भी अच्छी मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। तो बेल वाली जो भी फसलें हैं आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, मात्र अक्टूबर नवंबर को छोड़कर, क्योंकि आपको सर्दी का मौसम थोड़ा देखना होगा। यदि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, पाला गिर रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा कभी भी आप बेल वाली फसलों की खेती कर सकते हैं। यदि आप अभी जून महीने में इसकी रोपाई करेंगे, बीज बुआई करेंगे, तो आपकी जुलाई के अंत तक इसमें फल देना फसल चालू हो जाएगी, जो कि लाखों रुपए कमा देगी। खीरा। जी हाँ, खीरा की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। बरसात में जो बिकता है तो काफी अच्छी ऊंचे दामों पर बिकता है, तो खीरे की खेती भी कर सकते हैं किसान भाई। तो इस तरीके से किसान भाई, वो वीडियो में बताई गई जितनी भी सब्जियां हैं बेल वाली फल वाली, तो आप उनको कर सकते हो जून महीने में। और यदि जिनके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, वो गमलों में लगाना चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं। बात आती है सीड्स कहाँ से खरीदेंगे, तो मार्केट में बीज की दुकानें आपको मिल ही जाएगी। यदि खेतों में लगाना चाहें तो हाइब्रिड एक उत्तम रहता है, जिसमें फल पैदावार जल्दी आते हैं और फल भी ज्यादा लगते हैं। और यदि गमलों में लगाना चाहें तो देसी भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड का बीज आपको खुले में नहीं मिल पाएगा, तो देसी बीज खुले में मिल जाएगा, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। यदि आसपास कोई किसान है तो आप वहां से भी बीज लाकर गमलों में लगा सकते हैं। तो कैसे करते हैं इनकी खेती, ये भी हमने वीडियो में बताया है। कुछ 1-2 फसल रह गई है जिनके बारे में हम नहीं बता पाए हैं, तो जल्द से जल्द बताएंगे आपके लिए कैसे करते हैं उनकी खेती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपके लिए हमारे वीडियो का टॉपिक, पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग खेती किसानी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और दबाएं इसके बेल आइकन को, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल में दोस्तों नोटिफिकेशन हमारे भाइयों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, क्योंकि आए दिन हम आपके लिए 1-2 वीडियोस खेती किसानी और बिजनेस आइडियाज के उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आप जल्द से जल्द चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़ गए हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।